अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनादलिस मम्मा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी। तो आइए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 4 to 5 spoon कर्ड लिया है मैंने, 4 spoon धनिया पाउडर लिया है, 2 spoon रेड चिली पाउडर लिया है, 1 spoon साल्ट लिया है, 1/2 spoon हल्दी पाउडर लिया है। साल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 3 spoon जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सारे मसाले चिकन में ऐड कर दे रही हूँ, साथ ही मैं इसमें कर्ड ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर्ड ऐड कर दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो मैं इसको आधा घंटे तक के लिए मैरिनेट करूँगी, आप इससे ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। चलिए मिलते हैं आधा घंटे बाद। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए अब चिकन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा भगोना रख दिया है, उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर दिया है। अब हम तेल के गर्म होने का वेट करेंगे। सो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। तो अब मैं इसमें ऑनियन ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 to 5 मीडियम साइज़ की ऑनियन को कट कर लिया था, जिसे मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए ऑनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ऑनियन को निकालने लगी हूँ। तो अब हम इसको इस तरीके से पूरी एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी ऑनियन को एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको मैंने फैलाकर रख दिया है। अब मैं उसी बचे हुए तेल में तेज़पत्ता और दालचीनी ऐड कर दूँगी, इसे 15 सेकेंड तक फ्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना चिकन ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन ऐड कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन में आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपके चिकन में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, अब मैं इसको थोड़ी देर और भूनने दूँगी जब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑनियन को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है, साथ ही काजू और पोस्ता दाना जो मैंने ग्राइंड करके रखा था उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही इसको एक बार और ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन भी जो है वो हमारा अच्छे से भुन चुका है, मतलब इसकी भुंजाई पूरी हो गई है। अब हम इसको 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। आप अगर इस स्टेज पर पानी डालना चाहती हैं तो आप पानी डाल सकती हैं, पर मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, मैं इसको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। सो 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, अब मैं इसमें पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट ऐड कर दिया है, पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी और इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है आपने, वरना आपके चिकन के पीसेस टूट सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक पका लूँगी, जिससे हमारा जो मसाला है और जो पेस्ट है वो अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाला हमारा कितने अच्छे से पक रहा है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो बस जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे मैं गैस बंद कर दूँगी और हमारा चिकन बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए, बस हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मैं 1 spoon गरम मसाला ऐड कर दूंगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो अब बस मैं गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट तक कवर कर दूँगी, ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे चिकन में मिक्स हो जाए। गैस मैंने बंद कर दी है। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे एक सर्विंग बॉल में निकालने लगी हूँ।
सो बस हमारा डिलीशियस सा चिकन कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। अब आप भी इसको बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।